रांची पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि नामकुम थाना अंतर्गत सरवल से तुंजू जाने वाली सड़क के झाड़ी क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ट्रक में अफीम डोडा लोड करवाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचने से पहले नशा तस्कर और ट्रक चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो प्लास्टिक के बोरे में अफीम डोडा लोड पाया गया। वहीं पुलिस ने अफीम को जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। सर, नशे के खिलाफ लगातार रांची पुलिस कार्रवाई कर रही है, सफलताएं मिल रही है, नाम खुद से भी नशे बना। देखिए, ये नशा मेनली एक ब्राउन शुगर है जो शहर के अंदर ज़्यादा एब्यूज हो रहा है उसका, और इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रेवल देखेंगे तो वो हमारे यहाँ जो है ओपीएम स्ट्रॉ यानी डोडा का हो रहा है। तो मेनली पहले जो है हम लोग जो है लोकल ट्रेडर पकड़ पा रहे थे, लेकिन हम लोग जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाए तो जो इस गिरोह के सरगना हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी शुरू हुई है। पिछली बार भी आपको याद होगा खरसीदाग में एक गिरफ्तारी हुई थी जो राजस्थान का ट्रेडर था, किंग पिन था, और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके रांची पुलिस ने इस बार भी जो है राजस्थान के गैंग के एक ट्रक को पकड़ा है। हालांकि अभी भागने में सफल हो गया, लेकिन इस ट्रक के ओनरशिप के बेसिस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसमें जो है कुल जो है 2885 केजी डोडा, जिसकी कीमत करीब 4,30,00,000 से ऊपर होगी, उसे जब्त किया गया है। ट्रक की भी कीमत करीब 50,00,000 होगी। तो ये एक मेजर सेटबैक है जो तस्कर हैं उसके विरुद्ध, और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाकर जो गिरोह का सरगना है उसे पकड़ें करता है। और बहुत सारे जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को पहले ये देने की बातें आती थी पहले, पर अब हर तरह के लोग इसे यूज कर रहे हैं। फूड प्रोडक्ट्स में भी इसको मिक्स किया जाता है।